प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में एक और कहानी कमल शर्मा की जुबानी। मुर्गियों की गिनती। कहानी के पात्रों का परिचय। मीना एक हसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपनी परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना राजू और अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाने के सपने देखती है। अंत में उसका सपना पूरा होता है या नहीं, आइए जानें इस कहानी में। मीना खाना पकाने के लिए लकड़ी लेकर घर लौट रही है। उसका प्यारा दोस्त मिठू तोता भी उसके साथ है। रास्ते में राजू का स्कूल पड़ता है। मीना और मिठू रुककर देखने लगते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है। वो देखते हैं कि कक्षा में टीचर जी बच्चों को राजा रानी की कहानी सुना रही हैं। मीना और मिठू को कहानी इतनी अच्छी लगती है कि कहानी खत्म होने तक वे वही जमे रहते हैं। मीना सोचती है कि अच्छा होता अगर वह भी स्कूल में पढ़ सकती। घर लौटते समय मीना टीचर जी की तरह खुद भी टीचर बन जाती है और मिट्टू को विद्यार्थी बना देती है। वह मिट्टू को अपना नाम बोलना सिखाती है। मिट्टू होशियार है, वह जल्दी ही सीख जाता है। घर पहुंचकर मीना काम में लग जाती है। राजू स्कूल से लौटता है और शान से पिताजी को बताता है कि स्कूल में उसने क्या क्या सीखा है। मीना बड़ी उम्मीद के साथ पिताजी से कहती है, पिताजी मैं भी पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहती हूँ। राजू भी पिताजी से विनती करता है कि वे मीना को उसके साथ स्कूल भेज दें। पिताजी कहते हैं, घर के काम में मदद के लिए माँ को तुम्हारी जरूरत है। माँ भी बोल पड़ती है, लड़कियों को तो खाना पकाना, घर साफ करना और घर संभालना आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता की बात सुनकर मीना उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खिड़की के पास खड़ी होकर स्कूल की इमारत देखती है। उसके मन में रह रहकर एक ही बात उठती है, कितना अच्छा होता अगर वह भी स्कूल जा पाती। थक कर मीना की आंख लग जाती है। उसे अजीब सा सपना दिखाई देता है। वह दूसरे लड़की लड़कियों के साथ कक्षा में बैठी है और मिट्टू चश्मा लगाकर मास्टर जी बना हुआ है। सुबह होती है और मीना रोज की तरह घर के काम में लग जाती है। राजू तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने के लिए निकलता है। उदास खड़ी मीना बच्चों को स्कूल जाते देखती रहती है। उसे अपना सपना याद आता है। वह सोचने लगती है कि मैं पढ़ने कैसे जाऊं। अचानक मीना को एक रास्ता सूझता है। वह मिट्टू को स्कूल भेजेगी। मिट्टू वहां जो कुछ भी सीखेगा घर आकर उसे सिखा देगा। मिट्टू मीना की बात मान जाता है। अगले दिन मिट्टू जाकर स्कूल की कक्षा में खिड़की पर बैठ जाता है। टीचर जी दो का पहाड़ा सिखा रही हैं। वह सब कुछ बड़े ध्यान से सुनता है। फिर वे उड़कर घर पहुंचता है और मीना को सिखाता है। दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया छः। फिर तो मीना जो कुछ भी देखती है छह तक गिनने लगती है। मीना काम करते करते घर की मुर्गियां गिनती रहती है। इस तरह राजू के साथ साथ वह भी जोड़ना घटाना गिनती पहाड़े सीखने लगती है। एक दिन की बात है, मीना और मिट्टू पढ़ाई कर रहे हैं। तभी एक चोर दबे पांव दीवार पर चढ़कर
एक मुर्गी चुरा कर भाग जाता है। मीना मुर्गियां गिनती है तो देखती है कि एक मुर्गी कम है। वह इधर उधर देखती है तो उसकी नजर मुर्गी लेकर भागते चोर पर पड़ती है। चोर 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 चोर, मीना चिल्लाती है और चोर के पीछे दौड़ पड़ती है। मिट्ठू भी मीना के साथ हो लेता है। देखते ही देखते बहुत सारे लोग अपना अपना काम छोड़कर चोर का पीछा करने लगते हैं। मिट्टू उड़ते उड़ते सबसे पहले चोर के पास पहुंच जाता है और उसके कान में चिल्लाता है, चोर 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 चोर। डर के मारे चोर का पैर फिसल जाता है और वह धान के खेत में गिर पड़ता है। चोर पानी से भरे धान के खेत में फंस जाता है। उसका पीछा करते लोग वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। मुखिया जी मीना की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं। वो पूछते हैं कि मीना ने चोर को कैसे देखा। मीना बताती है कि उसने जब मुर्गियां गिनी तो एक मुर्गी कम निकली। जब वह मुर्गी ढूंढने लगी तो उसने चोर को मुर्गी लेकर भागते देखा। मुखिया जी सोचते हैं कि मीना के माता पिता उसे स्कूल भेजते हैं, इसके लिए वह उन्हें बधाई देते हैं। मुखिया जी कहते हैं हर बच्चे को अर्थात हर लड़के और हर लड़की को स्कूल जाना चाहिए। एक पड़ोसी बताता है, मैंने अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाया लिखाया था, तभी तो वह शादी के बाद मुझे चिट्ठी लिखती रहती है। एक बूढ़ी महिला कहती है, मेरी पढ़ी लिखी बेटी अपना मुर्गी फार्म चलाती है। एक युवती शर्माते हुए बताती है, मैं स्कूल में पढ़ी हूँ इसलिए अपने बच्चे की बेहतर देखरेख कर लेती हूँ। मीना के माता पिता को एहसास होता है कि पढ़ना लिखना लड़कियों के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। वो फैसला कर लेते हैं कि मीना अगले ही दिन से रोज स्कूल जाएगी और राजू की तरह पढ़ेगी। मीना और राजू खुशी से झूम उठते हैं कि अब वे दोनों एक साथ रोज स्कूल जाया करेंगे। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर मीना को गिनती किसने सिखाई। मीना हंसते हुए बताती है, एक दोस्त ने। मिट्ठू सीना तान कर कहता है, मेरा नाम मिट्ठू है। अगले दिन मीना पहली बार स्कूल जाती है। वह बहुत खुश है, आखिरकार स्कूल जाने का उसका सपना सच हो गया। राजू भी बहुत खुश है कि उसकी बहन उसके साथ स्कूल जा रही है। मीना कहती है हर बच्चे को स्कूल अवश्य जाना चाहिए। मिट्ठू भी दोहराता है, हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। आप सभी को ये प्रेरक कहानी कैसी लगी हमें अवश्य लिखें।